अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था कि केमिस्ट्री जो है होती क्या है, इम्पोर्टेंस उसका क्या है हमारी डेली लाइफ में। आज हम जो है उसकी ब्रांचेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री होता क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। किसके अंदर? रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, हम रिलेशन पढ़ते हैं कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हमारे पास H2O है। ठीक है, H2O की कंपोजिशन हमारे पास क्या है? हमें पता है कि H2O जो है वो हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ये हमें पता है कि ये उसकी कंपोजिशन है। अब इसकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है? वाटर का उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब ये बात याद रखिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसके अकॉर्डिंगली होता है? उसकी जो 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 कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन के बिल्कुल अकॉर्डिंगली होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपोजिशन हमारे पास कुछ और हो और उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसकी उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ और हो। इसके अलावा फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो है मैटर का स्ट्रक्चर जो है ना पढ़ते हैं कि मैटर आया बना किस चीज से। मैटर हमारे पास जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास तीन हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। बीच में हमारे पास सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो बीच में पाया जाता है और प्रोटॉन भी है बीच में पाया जाता है। न्यूट्रॉन पे हमारे पास जो है वो न्यूट्रल चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है हमारा बीचों बीच, उसके ऊपर होल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक बीच में न्यूट्रल चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज, तो होल चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और वो पूरे ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व होते रहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर है एटम का। ठीक है, पहली हमारे पास ब्रांच हो गई। दूसरी ब्रांच हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन हम लोग स्टडी करते हैं और इनके डेरिवेटिव्स स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जिस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन मौजूद हो। ठीक है, जिस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन मौजूद होगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और इसके अलावा दूसरा हमारे पास HC यानी हाइड्रोकार्बन कहलाता है। दैट मींस कि वो तमाम कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होगा, सिर्फ वही जो बॉन्ड्स होंगे वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में पड़े जाएंगे। और डेरिवेटिव क्या कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो चीज ड्राइव होकर निकलती है वो इन दोनों का डेरिवेटिव कहलाता है। दैट मींस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन का होना एसेंशियल है। कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन कार्बन का होना मस्ट होता है। इसके अलावा हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन भी जो है हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH4 है मीथेन, जैसे कि हम घरों में गैस जो यूज करते हैं मीथेन, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, हमारे पास कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़े हुए। ठीक है, तो बॉन्ड आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तीसरी हमारी जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपोजिट है।